दौरा किया, क्या रहा? देखिए जैसे ठंड बढ़ती तो नगर निगम तो अपनी मतलब पूरी व्यवस्था करके, रैन बसेरा जो निगम ही चलाता है तो पूरी व्यवस्था करके रखता है। तो कल रात्रि को जैसे मैं गई थी रैन बसेरा में, तो वहाँ सबसे पूछा भी कि मैंने कहा कोई परेशानी तो नहीं कि नहीं सब अच्छा है मैडम, कि बहुत अच्छे से व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे। तो रैन बसेरे में देख के आई तो मतलब निगम की तरफ से पूरी व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है। तो सब आराम से सर्दी में सो रहे थे, और जैसे सड़क के किनारे लोग सोते हैं तो अब उनको भी हम कहते हैं कि आप रैन बसेरे में चलो, वहाँ जगह है, आप वहाँ सो, तो ये लोग आने को तैयार नहीं रहते। अब क्या वजह है ये नहीं पता। कल भी यही कहा कि आप रैन बसेरे वहाँ खाली पड़े, वहाँ जाओ, वहाँ सो आप आराम से। अब आप देख लें मेडिकल कॉलेज के सामने यहाँ तीन लोग खुले में डिवाइडर पर सो रहे थे। उनको कहा हमने कि आप ये रैन बसेरा सामने ही रहा, यहाँ जाके सो, तो वो उन्होंने कुछ मतलब जवाब नहीं दिया। तो फिर वो सो रहे थे तो उनको हम कंबल उड़ाकर और आ गए। अब ये लोग नहीं आना चाहते हैं तो इनकी मर्जी है, ज़बरदस्ती तो हम कर नहीं सकते। कितने नगर निगम के मतलब वो चल रहे रैन बसेरे और क्या व्यवस्था रहती है? नगर निगम के अभी अजमेर में अपने 7 रैन बसेरे चल रहे हैं ना, तो सभी में ही मतलब सर्दी में जैसे ठंड के हिसाब से रजाई, कम्बल, नहाने धोने की सुविधा, गर्म पानी, सारा कुछ सुविधा रहती है वहाँ पर। तो मतलब किसी को कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि कल मैंने सबसे पूछा है कि सर कोई परेशानी है। हाँ, कम्बल हमने कल करीब 25 के करीब कम्बल बांटे, जैसे आज भी और बांटने का इरादा है। तो जो जो हमको रोड पर सोते हुए मिले उन सबको हमने कम्बल बांटे। कैसे हालत थी मैडम उनकी सर्दी के अंदर? सर्दी में मतलब वो कहना चाहिए जैसे रजाई सो रहे थे, तो रजाई तो थी, उसके ऊपर से उन्होंने प्लास्टिक डाल रखी थी। तो हमने पूछा ये क्यों ऐसा सो रहे हैं आप, ये प्लास्टिक डालकर ऊपर, क्योंकि रात को ओस पड़ती है तो इसलिए कि कपड़े हमारे कम्बल वगैरह भीग नहीं जाए। तो उनको हमने इसलिए यही कहा कि आप रैन बसेरे में जाओ, वहाँ जाओ, आराम से आपको सोने को तो मिलेगा। लेकिन इनका कोई जवाब नहीं रहता। लगातार मैडम आप कम्बल बांटोगे आपकी तरफ से? हाँ, लगातार कम्बल बांटूंगी, आज भी मैं जाऊँगी कम्बल बांटने, जितने भी जरूरतमंद है सबको कम्बल बांटे जाएंगे।